यो सब गाइस, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज की गेम प्ले वीडियो में हम लोग फिर से खेलने वाले हैं न्यू गैंगस्टर ऑनलाइन। तो आप लोगों ने जैसे पिछली गेम प्ले वीडियो में देखा होगा कि गाइस, पिछली गेम प्ले वीडियो में ई मैन ने हम लोगों को कॉल करके अपने सीक्रेट बेस में मिलने के लिए बुलाया था। तो हम लोग अपने शोरूम से सीधा ई मैन के सीक्रेट बेस में मिलने के लिए गए। तो यार, वहाँ पे हम लोगों को पता चला कि ई मैन ने एक प्लान बनाया है। प्लान कुछ ये था कि हमारी पूरी की पूरी टीम के पास ना तो एक वेपन है, जितनी भी वेपन्स हैं वो क्या कहते हैं, ई मैन ने हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, थोड़ी बुलेट सी, और उसमें हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते थे पुलिस वालों से या किसी भी बंदे से फाइट लेके। तो यार, ई मैन ने प्लान कुछ ये बनाया था कि हम लोग कोई एक ऐसी गैंग पे अटैक करेंगे, तो वो जो गैंग है वो इस सिटी की सबसे बड़ी और सबसे डेंजरस गैंग है। तो ई मैन ने पूरी की पूरी फील्ड बैठा के उस गैंग के ऊपर अटैक कर दिया था, और वहाँ से जितने भी आर्मर वेपन्स कुछ भी नहीं वहाँ पे छोड़ा, क्योंकि यार उस गैंग के पास इतनी ज़्यादा गन और इतनी ज़्यादा एमो थी कि पूछो मत। जिस वजह से ई मैन ने क्या किया, ई मैन ने पूरी की पूरी फील्ड बैठा के 5-6 टेररिस्ट के टैंक लेके सीधा उस गैंग पे अटैक कर दिया। गैंग पे अटैक तो हम लोगों ने खाली एक ऐसे बहाने के लिए किया था जिससे जो जितनी भी गैंग है वो एक टाइप से ऐसा लगे उनको कि हम लोगों ने टेररिस्ट बन के उन पर अटैक किया, पर उन लोगों को अभी तक ये नहीं पता चला कि हमारी गैंग ने उन पर अटैक किया। उसके बाद ई मैन ने जितने भी वेपन्स, जितने भी आर्मर हैं वो उन सभी को ट्रक में लोड करवा के इस सिटी से बाहर भेजने की तैयारी कर ली। तो गाइज, यहाँ पे मैं इसलिए आया था, यहाँ पे एक मेरी डीलर से मीटिंग थी। बेसिकली से वो एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट का डीलर है जिससे मेरी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डील थी। डील कुछ ये थी कि हम लोग अपने जितने भी रेस्टोरेंट हैं उन सभी को उस डीलर से 50-50 करके, मतलब 50-50 पार्टनर्स पे हम लोग चलाने वाले हैं। मतलब जितने उसके रेस्टोरेंट्स हैं वो हम लोग भी चला सकते हैं, और जितने हमारे रेस्टोरेंट्स हैं वो भी चला सकता है। तो यह बात कुछ ऐसी थी कि उसने कहा कि हम लोग ना एक टाइप से बहुत तगड़ा और बहुत बड़ा एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, जो यार कम से कम 24 फ्लोर का रेस्टोरेंट होगा। तो यार, वो खोलने के लिए हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए। उसके लिए यार हम लोगों ने पूरी की पूरी ईमेल से बात कर ली है। ईमेल ने कुछ प्लान बनाया है पूरा अमाउंट से लेके। तो यार, ईमेल कह रहा कि तुम अभी शोरूम के काम से जाओ, मैं बाद में आके तुमसे बात कर लूँगा। तो गाइस, यहाँ पे मेरे को अपने शोरूम के मैनेजर ने कॉल करके बुलाया था। तो यार, जल्दी से बात करते हैं। और ये देखो, मतलब यहाँ पे कार घुसेड़ने की जगह नहीं है, उन लोगों ने ट्रक घुसेड़ रखा है। चलो कोई नहीं, बाहर कर दिया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पे मेरी लिमोजिन कहाँ गई? अच्छा, मैंने इनको कहा था कि लिमोजिन को कलर कर देना, तो यार ये लोग उसको यहाँ से टो करके ले गए होंगे। जहाँ पे कार मॉडिफाई होती है वहाँ पर ये लोग टो करके ले जाते हैं जितनी भी कार्स, और वहाँ से तो गाइस जितनी भी कार मॉडिफाई हो जाती हैं उन सभी को हम लोग शोरूम में ले आते हैं। बेसिकली से मैनेजर ने हम लोगों को कॉल करके इसलिए बुलाया था, उसने कहा था कि हम लोगों को इस ट्रक को लेके जाना है, और जहां पर शिप्स के कंटेनर्स लोड या डीलोड होते हैं ना, उन सब वहीं पर जाके इस ट्रक को छोड़ देना है, क्योंकि यार उसने काफ़ी सारी न्यू मॉडिफाइड कार्स को इस सिटी में लेके आया है वो। पर हम लोग इतना छोटा सा काम कर देंगे तो यार कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी हम लोगों को ईमेन के सीक्रेट बेस से काफ़ी सारे वेपन्स लेना, और ये पुलिस वाले तो जैसे तैसे करके पीछे लग जाते हैं। मेरे से उस लेडी को गलती से टक्कर लग गई, पर कोई नहीं, पुलिस वाले इजीली पीछे भी छोड़ देते हैं। अब जल्दी से यार हम लोग इस ट्रक को भगाते हुए सीधा चलते हैं अपने शिप कैबिन पे, क्योंकि यार वहाँ पे हम लोगों की जितनी भी न्यू कार्स हैं वो हमारा वेट कर रही हैं, और हम लोग जैसे ही ट्रक लेके जाएंगे वो सारी की सारी लोड होंगी। लोड होने के बाद उन सभी को क्या कहते, हम नहीं लेके आएंगे, कोई बंदे को बोल देंगे वो लेके आ जाएगा, नहीं तो कोई ईमेन के हैकर ही को बोल देंगे वही लेके आ जाएगा। पूरा का पूरा रोड लोगों ने घेर रखा है, निकलने के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं दे रहे। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग अपने ट्रक को लेके आ चुके हैं उसी शिप कैबिन पे। तो आगे वाले सामने वाला जो पार्किंग है वहीं पर मेरे को इस ट्रक को पार्क कर देना है, बाकी काम जो भी कोई इसको लेने आएगा वो करेगा।
मेरा काम बस इतना था कि मेरे को इस चक को ले जाके यहाँ पे खड़ा कर देना। बेसिकली से मैं दूसरी कार लेके आता, इसलिए मेरे मैनेजर ने कहा कि आप इस चक को ले जाओ और वहाँ पे खड़ा कर देना, बाकी काम वो कर लेगा। तो ये आप लोग जो सामने गैंगस्टर्स का नोला का जो कंटेनर देख पा रहे हो, ये इसी में हमारी टोटल 3 कार्स हैं और बाकी कार्स एक एक करके जो हमारे शोरूम के जितने भी वर्कर्स हैं वो ले जा रहे हैं। तो यार अब मैंने उनसे कह दिया था कि हमारे पास चक तो एक ही है, अभी काफ़ी सारे ट्रक्स को और मंगाना बाकी, जल्दी से अटैच करके बस यहाँ पे छोड़ देते हैं। और यहाँ पे अटैच तो ये हो ही चुका है, बस इन लोगों को क्या करना है, इसके जो नीचे पैनल्स हैं उनको अप करना है और यहाँ से ले जाना है। अब हम लोग जल्दी से निकल लेते हैं सीधा ईमेन के सिकेट बेस पे। तो गाइज यार यहाँ पे मैंने एक जीप मंगा ली है। जीप क्या मंगा ली, यहाँ पे लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे तो मैंने इसको यहीं छोड़ दिया था, क्योंकि हम लोगों को जो ट्रक को लेना था इसीलिए मैंने हम लोग शोरूम से इस जीप में आए थे और हम लोगों ने ट्रक को इसी यहीं पर छोड़ के मतलब ट्रक को लेके हम लोग सीधा शोरूम पे चले गए थे। तो हम लोग जल्दी से इस कार से निकल लेते हैं सीधा ईमेन के सीक्रेट बेस पे और वहाँ से जितनी भी हो सकती हैं हाईटेक वेपन्स लेकिन हम लोग जल्दी से जाने वाले हैं शोरूम पे, क्योंकि यार हम लोगों को एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करना है। तो यार वो तो उसी सिटी में हो सकता है। तो यार जल्दी से अपनी जीप को पार्क करते हैं और चलते हैं सीधा सामने वाले कैबिन नहीं, एक टाइप से ये पूरा का पूरा सीक्रेट बेस टाइप का बना हुआ है, ये बंकर समझ सकते हो आप, क्योंकि यार ये इतना बड़ा है ना कि पूछो मत, ये इतना बड़ा है कि इसमें एक पूरा का पूरा प्लेन पार्क हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने अंदर से जितने भी हो सकते हैं उतने हाईटेक वेपन्स ले लिए हैं। पहला तो यार ये अपना गोल्डन देसी कट्टा, तो जो मैंने चेंज नहीं किया, मैंने कहा है कि मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और यहाँ पे मैंने इसी को चूज़ किया है। दूसरा यहाँ पे मैंने ली है ब्लैक कलर की AK-47 जो चलने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पर ये है कि इसकी डैमेज पावर काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी है ये ऑटो स्नाइपर जो यार टोटल 5 बुलेट्स को एक बार ऑटो पे रिलोड मतलब एक बार ऑटो पे फायर कर सकती है। और तीसरी है ये 100 MO की M249 जो यार काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलने वाली गन है। तो यार यहाँ पे जल्दी से हम लोग सारे के सारे वेपन्स को अंदर रखते हैं और यहाँ पे मेरे को पुलिस ऑफिसर का कॉल आ रहा था यार, पुलिस ऑफिसर का हम लोगों को कॉल आया, उसने हम लोगों को पूरा सीन समझा दिया है। सीन ये है कि जिस बंदे पे हम लोगों ने लास्ट टाइम अटैक किया था जितने भी वेपन्स और आर्मर वगैरह लेने के लिए, तो उस बंदे ने पुलिस वालों को एक सीधी धमकी दी है। उसने ये कहा है कि अगर उसको पूरा का पूरा पैसा वापस नहीं मिला या उसका जितना भी वेपन्स और जितने भी आर्मर थे उसको वापस नहीं मिले तो यार वो इस पूरी की पूरी सिटी में बहुत बड़ा ब्लास्ट करवाएगा, जिससे ये पूरी की पूरी सिटी एक बार में ब्लास्ट हो जाएगी। तो इसीलिए यार पुलिस वालों ने हम लोगों को मिलने के लिए इस सीक्रेट हाउस में बुलाया है। अब पता नहीं क्या दिक्कत है जिस वजह से पुलिस वालों ने हम लोगों को मिलने के लिए बुलाया, तो जल्दी से चलते हैं और पुलिस वालों से बात करते हैं, देखते हैं क्या सीन है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है वो भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा, नहीं तो यार ईमेल से चल के बात कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पे जल्दी तो यहाँ पे गाइज मेरी पूरी की पूरी बात हो चुकी है पुलिस वालों से, वो कह रहे हैं कि एक शिप जो हमारी सिटी की तरफ आ रही है, मतलब वो एक एक दिन में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कवर करती है, पर यार बेसिकली सीन कुछ ऐसा है कि वो शिप ना इतनी ज़्यादा लोडेड है हाईटेक वेपन से, मतलब कि एक फायर से उसके एक शिप के एक फायर से इस पूरी की पूरी सिटी में एक बहुत ज़्यादा धमाका हो सकता है, तो जिस वजह से उसमें बहुत सारे टेररिस्ट लोड हैं, जिस कम से कम 1000 से 2000 टेररिस्ट तो अकेली उस शिप में बैठे हुए हैं। अगर हम लोगों ने उस टेरिस की बात नहीं मानी तो यार काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सीन भी हो सकता है। अब वो सीन क्या होगा वो मेरे को भी नहीं पता, वो तो यार मेरे को ईमेल से बात करके ही पता चलेगा कि आगे हम लोगों को क्या करना है। तो यार गाइस यही थी गेम प्ले वीडियो, अगर आप लोगों को ये वाली गेम प्ले वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाओ कमेंट में जाके जरूर बताना, आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो DM करके। और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो पे लाइक नहीं किया जल्दी जाओ इस वीडियो पे लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो पे खाली हम लोग 50 लाइक आए हैं बहुत छोटा टाइम में, जल्दी जाके लाइक बटन को दबा दो और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन
मिले और हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी ही क्रॉस कर ले। और मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरा इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड को फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में। गुड बाय गाइस।